यार एक तो ये चेक करो, रिमोट की लाइट तो चल रही है लेकिन ना गाड़ी के ना सेल गाड़ी की बैटरी वीक हो गई भी है, तो ये अच्छा है इसका। मतलब यार सीन ये है, इसकी ना बैटरी निकालते हैं, चेक कर लेते हैं, अगर हो सके तो हो सके इसका तो हम, हाँ जी इसकी ना बैटरी वगैरह चेंज करवा लेंगे। मुझे लगा ये गाड़ी की हालात तुम लोग चेक करो, गाड़ी ये बिल्ली के निशान, गाड़ी भी अगर आज इसकी बैटरी रिचार्ज हो जाती है तो इसको आज ना धुलवा भी लेंगे गाड़ी को। बेसिकली अभी मैं जाने लगा हूँ यहाँ से, सबसे पहले हम लोगों ने बैटरी वगैरह चेंज बोल रहा हूँ, इसको रिचार्ज करवाना है, पता भी कर लेंगे नई कितने की है। उसके बाद जो छोटी बहन है उसके बैग की जिप वगैरह लगवानी है तो वो लगवा लेंगे, करीब ही है यहाँ से। फिर उसके बाद ना मैंने कटिंग वगैरह करवाने जानी है, उतनी देर में अल्लाह करे बस आज ना ओपन हो जहाँ से बैटरी वगैरह चार्ज वगैरह होती है, वहाँ से बैटरी वगैरह चार्ज करवा लेंगे। घंटे के बाद वहाँ से ले लेंगे, फिर मतलब उतनी देर में मेरी कटिंग वगैरह भी हो जाएगी, उसके बाद फिर हम लोग गाड़ी ले जाएंगे साफ़ करवाने के लिए। तो बस मेरा ये है कि ये हो जाए, क्योंकि गाड़ी जो है ना तुम लोग चेक करो कितनी गंदी हुई हुई है। बाकी स्टे कनेक्टेड बैटरी का काम करवाते हैं, बैग का काम करवाते हैं, कटिंग करवाते हैं। यहाँ पर यार मैं बैग ले आया हूँ, या बस ऐसा काम करना कि फिर ना जेब वगैरह खराब ना हो, बस खराब ना हो। दिखाएं कौन से वाला लिया है। कितने नंबर है जेब पे, उन्हें नंबर पहना है। अच्छा ठीक है, जेब पे होंगी या पांच नंबर छह नंबर है। मुझे लगा था यहाँ पर हम सिलेक्शन कर सकते हैं। नंबर ये देखो जरा इसको, बैटरी लेके खड़ा है, बैटरी। हाँ नहीं, बैटरी वाले ने क्या किया भाई, पिछले हफ्ते मैंने इसको बैटरी रिचार्ज करवाई है और इस हफ्ते क्या कहता है, बैटरी ये फारिग हो चुकी है भाई। यहाँ पे ना इसका लाइट आ जाती है और वो लाइट भी नहीं आ रही, पानी अंदर गया हुआ मुझे लग रहा है। बेसिकली यार मैं सबसे पहले मतलब बैग वगैरह लेकर गया था, वो तो तुम लोगों ने वीडियो देख ली, उसका काम हो गया। बैटरी पे लिटरली मुझे कहता है बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है, अगर हम अभी चार्ज करके आपको दे भी देंगे गाड़ी की बैटरी तो वो एक दिन चलेगी, उसके बाद खुद बहुत डेड हो जाएगी। अब उसके कहने के मुताबिक साथ वाली जो उसकी दुकान थी ना वो बंद थी, वरना वहाँ से भी एक दफ़ा मैं पता करवा लेता। अब जब तक गाड़ी के अंदर बैटरी नहीं लगेगी गाड़ी नहीं चल सकती, और बैटरी भी कोई 7-8 हज़ार रुपये की नहीं है, तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। बाकी कटिंग वगैरह मैंने करवा ली, कैपेसिटर वगैरह मैंने लेना था। जिधर मैं बैठता हूँ ना ये पंखा पता नहीं अजीब ही है, इसका कैपेसिटर जब भी लगाओ ना बस मौत पड़ जाती है। पंखा कुछ दिनों के बाद, हफ्तों के बाद, बल्कि महीनों के बाद ना ऐसे जैसे मर मर के चलने लग जाता है। तो ये अच्छा हो गया कि हम लोगों ने ले लिया कैपेसिटर वगैरह, बस अभी तो लाइट आ रही है, अभी नहीं चेंज करेंगे, अगर लाइट गई होती तो मैं चेंज कर लेता, तो अभी तो लाइट आ रही है भाई, हैवी करंट वरंट लग गई ना वहीं काम ख़राब हो जाना है। और बाकी मेरा था गाड़ी साफ़ करवाने जानी है, वो भी नहीं हो पाएगा। बाकी अभी मैं ना चेक कर रहा था यार ग्लासेस एक और मेरे पास पड़े हुए हैं, उसके अंदर शीशा लगवाने का या कोई और ग्लासेस अच्छा सा ना, तो आते ही मैंने ना घर में शावर ले लिया था और कसम से मस्त फील हो रहा है। अभी तुम लोगों को कोई शोर ना आए, कुछ भी ना हो, उस वजह से करके मैंने ना पंखा तक बंद कर दिया हुआ है। नहा कर आया हूँ ना, थोड़ी देर बंदा सब्र कर लेता है, वरना तो पंखे के बगैर भाई ऐसे गर्मी लगती है ना कि बोले ही मत बंदा। बाकी स्टे कनेक्टेड, अभी देखते हैं अगर कुछ करना हुआ तो मैं करते हैं, वरना व्लॉग भाई बनाना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अभी एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 10:40 का, तो ये वीडियो हम लोग यहाँ पर ही एंड करते हैं। मुझे ना खुद मे बी
फील हो रहा है हल्का फुल्का नहीं बल्कि ज़्यादा कि मेरी ना तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाली है। खुद भी मतलब मैं फील कर रहा हूँ, पता नहीं अजीब सी फीलिंग्स है। ये वीडियो हम लोग यहाँ पर ही एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। नीचे दिए गए रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा के रेड नहीं छोड़ना, सिल्वर कर देना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना हम सारा ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।